तो यदि आप 15,000 रुपए के बजट में एक बेस्ट 5G फोन ढूंढ रहे हैं ना, तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा। सिर्फ आपको ना एक ऑप्शन दिखाऊंगा और इस बजट पे ये अभी के टाइम पे बेस्ट 5G स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से। और हाँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानेंगे इस वाली वीडियो में, ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ ही तारीफ करेंगे। तो ये है फुल रिव्यू Realme P1 5G स्मार्टफोन का, जो कि इस बजट में बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ साथ डिस्प्ले भी अच्छी ऑफर करता है और इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। अभी वाला फोन पिछले 10 दिनों से हमारा एक टीम मेंबर यूज कर रहा है अपना प्राइमरी फोन बना के। तो सबसे पहले हमने जो एक चीज नोटिस करी इस वाले फोन में कि ये फोन जो परफॉर्मेंस सेगमेंट में ऑफर कर रहा है बजट के हिसाब से, वो अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा आपको। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 चिपसेट मिल जाता है। अभी वाला चिपसेट जनरली 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। साथ में LPDDR 4X RAM है, बट उससे भी ज्यादा यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज का उपयोग करा गया है इस वाले फोन में, जो कि अगेन थोड़ा सा कॉस्टली स्मार्टफोन्स में ही देखने को मिलती है। अब इस वाले फोन में हमने गेमिंग भी करी, फोन में हीटिंग इश्यूज नहीं है कोई, बट उससे भी अच्छी बात की ये फोन BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम को सपोर्ट करता है, यानी कि 60fps गेम प्ले आप इसमें कर सकते हैं। हाँ, कम बजट का फोन है तो कॉन्स्टेंट 60fps आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, बट ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। FPS मीटर के साथ भी हमने इसको टेस्ट किया और रेगुलर यूज में भी फोन लैग नहीं करता, काफी स्मूथ फील होता है बजट के हिसाब से देखते हैं तो। हालांकि जब हमने टेस्ट किया इसमें कि 120 हर्ट्ज पे कितनी एप्स चल रही हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हुआ इस फोन से। यहाँ पे ऑटो मोड में काफी सारी एप्लीकेशंस मात्र 60 हर्ट्ज पे चलती हैं और इवन हाई रिफ्रेश रेट मोड पे भी बहुत सारी पॉपुलर एप्लीकेशंस 60 हर्ट्ज पे ही चलती हैं। तो इस चीज को ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है भाई अच्छे से। अब ये सब टेस्टिंग और एक एक चीजें रिव्यू के लिए इकट्ठे करने में भाई काफी मेहनत लगती है, तो आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी अवश्य करेंगे। एक और चीज है जो कि हमें कम अच्छी लगी, फोन में परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन से कोई कमी नहीं है, बट यहाँ पे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन को सॉफ्टवेयर के थ्रू भाई रियलमी ने हटा दिया है। अब इसका रीजन भाई मुझे नहीं पता क्यों। अभी छोटा सा फीचर होता है बट थोड़ा प्रीमियम सी फील आती है फोन को यूज करने के दौरान। वैसे एक बात बताना चाहूंगा, इस वाले फोन को ना एक फोन है जो कि पूरी टक्कर देता है नेक टू नेक। अब वो वाले फोन के बारे में भी हम जानेंगे बाद में। खैर, एक चीज जो इस वाले फोन की बहुत अच्छी लगी वो है इसका बैटरी बैकअप। अभी हाल ही में सौरभ इसको लेके ना गांव गया हुआ था, तो वहां पे सिम डेटा पे इस फोन ने 7 घंटे 19 मिनट के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम दिया, वो भी 22 घंटे के स्टैंड बाय टाइम के साथ, जिसमें कि 5G के साथ साथ 4G कैरियर एग्रीगेशन भी यूज हुआ था। बताना चाहूंगा 5G भी अच्छे से काम करता है इसमें और 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलता है, NFC नहीं दिया गया लेकिन, और इस फोन को चार्ज होने में भी मात्र 1 घंटा लगता है। तो बैटरी वाला डिपार्टमेंट भाई बहुत स्ट्रांग है इसका। अब एक और चीज है जो कि आपको संभवतः अच्छी लगेगी इस वाले फोन में, पहली बात इन डिस्प्ले स्कैनर वाली एमोलेड डिस्प्ले है, बट इसमें जो रेन वाटर स्मार्ट टच वाला फीचर है ना, ये एक्चुअली यूजफुल है। जब आपकी फिंगर्स वेट होंगी या फिर स्क्रीन पे कई बार होता है ना छींटे पानी की पड़ जाती है, थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका टच रिस्पॉन्स काफी बढ़िया रहता है। बाकी फोन में IP54 की ही रेटिंग है, तो बहुत स्ट्रांग IP रेटिंग नहीं मिलती यहाँ पे, बट हाँ फोन स्प्लैशेस से बच जाएगा। बाकी मीडिया व्यूइंग के लिए भाई फोन सही लगा। क्या है कि डिस्प्ले के कलर्स ओवरऑल सही लगते हैं, साथ में OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी फुल HD कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे डुअल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं जो कि इनफ लाउड हैं, साउंड की क्वालिटी भी ठीक लगी इस प्राइस के हिसाब से, तो मीडिया कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इसमें ना 4K वीडियो YouTube पे मत चलाना, वो अटकती है। बाकी डिस्प्ले ब्राइट भी है, आउटडोर्स में ले जाएंगे कोई समस्या नहीं होगी, बट एक चीज हमने नोटिस करी कि ये फोन को जब हम हार्श लाइटिंग कंडीशन में आउटडोर में ले जाते हैं ना, तो उस टाइम पे कलर्स बड़े अजीब से हो जाते हैं डिस्प्ले के। आई थिंक कैमरा पे ये चीज आपको नोटिस नहीं हो रही होगी, बट जिन्होंने इस फोन को यूज किया होगा संभवतः उन्होंने ये चीज नोटिस करी होगी। वैसे जो वाइब्रेशन मोटर है ना इसकी, वो नॉर्मल वाली है, बाकी कॉलिंग वॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती और ये फोन वीडियो कॉलिंग भी अच्छे से करा देता है। अब कैमरा देखिए, इसमें मेन तो भाई 50 मेगापिक्सल को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर दिया गया है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर है। पहली बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, ना ही कैमरा में OIS मिलता है। मैंने इसके कैमरा को ना रफली कंपेयर किया था मोटो G64 5G के कैमरा से, तो भाई मोटो का कैमरा मुझे इससे बेटर लगा। रीजन है कि मोटो थोड़ा वाइब्रेंट और थोड़ा डिटेल्ड इमेज कैप्चर करता है, साथ ही मोटो अल्ट्रा वाइड भी ऑफर करता है और वहाँ पे OIS भी मिलता है। रियलमी के कलर्स ना थोड़ा नेचुरल से भी स्लाइटली फेडेड साइड पे जाते हैं, हालांकि बिना OIS के भी ये वाला फोन ना लो लाइटिंग कंडीशंस में काफी अच्छी इमेज कैप्चर कर लेता है, क्रिस्प रहती है, डिटेल्स अच्छी रहती है और इमेजेस में नॉइज भी बहुत कम रहता है। और वीडियोज में ये रियर कैमरा से 4K 30fps वीडियो शूट कर सकता है। यहाँ पे क्वालिटी आपको ठीक मिल जाएगी वीडियो की, बट स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। स्टेबिलिटी के लिए 1080p 30fps पे ही आपको वीडियो शूट करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रंट में 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्किन टोन एंड ऑल ओवरऑल ठीक ठाक मिल जाती है और यहाँ पे EIS इम्प्लीमेंट किया गया है, तो आपको थोड़ा सा स्टेबल फुटेज मिल सकती है। अब इसके कैमरा को ना मैं ओवरऑल डिसेंट की कैटेगरी में रखूंगा, बेस्ट नहीं है बट एकदम से खराब भी नहीं है, आप यूजेबल पिक्चर्स और वीडियोस इससे शूट कर सकते हैं। हालांकि जब हमने इस वाले फोन को सेटअप किया था, तो हमने इसमें पाया था कि भाई हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स वाला फोल्डर भी मिलता है, तो सबसे पहले तो हमने उसको डिसेबल कर दिया, ऑप्शन मिलता है डिसेबल करने का। इसके अलावा इसमें टोटल 7 प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिलते हैं, जो कि कुछ तो काम के होते हैं, कुछ थोड़ा कम काम के होते हैं, तो
तो उनको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी यूआई में से कोई खास एड्स आपको नोटिस नहीं होंगे। हाँ, ये ऐप ड्रॉर में कभी कभी एक आध एप्लीकेशन रिकमेंड होती है, हालांकि इसको भी आप ऐप ड्रॉर की सेटिंग में जाकर डिसेबल कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 है, रियलमी 5 पे चल रहा है फोन, और इस फोन को एंड्रॉइड 16 तक का अपडेट मिलेगा, साथ में 3 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेगा, ऐसा ब्रांड का प्रॉमिस है। बाकी बाय डिफॉल्ट गूगल डायलर के साथ आता है, बट आप ओ डायलर इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो जी हाँ, साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। बाकी रियलमी यूआई के अंदर आपको ऑलमोस्ट वही फीचर्स मिलते हैं जो कि वन प्लस और ओप्पो के स्मार्टफोन्स में मिलते हैं। हाँ, हर वो फीचर आपको इसमें नहीं मिलेगा जो इनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में मिलता है, जैसे कि ये रियलमी 12 प्रो प्लस है, यहाँ पे ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे ना तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं फोटोज का, वो वाला फीचर इसमें नहीं मिलता। बाकी ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है, 2 कलर्स में अवेलेबल रहेगा और दोनों ही मैट फिनिश आते हैं, तो ऐसे फिंगर्स नहीं चिपकती इस पे, और ओवरऑल फोन की ग्रिप अच्छी बनती है, फोन स्लिपरी नहीं है ना ही बल्की है। बाकी हेडफोन जैक और हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें मिलता है। बाकी ये फोन 3 वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा और 27 अप्रैल को आई थिंक इस पे कुछ ऑफर है, तो यदि आप इसको रियलमी की साइट से परचेस करेंगे ना तो वहां पे बेस वेरिएंट पे 1000 रुपए का और 8256 वेरिएंट पे 2000 रुपए का कूपन मिल जाएगा, मतलब वो डिस्काउंट ही है। बाकी मे बी फ्लिपकार्ट पे भी कुछ ऐसे ही ऑफर्स अवेलेबल रहेंगे। तो ये सब फीचर्स जब हम देखते हैं तो ओवरऑल 15000 रुपए के बजट में ये मुझे एक क्लोज टू परफेक्ट स्मार्टफोन लगा। हाँ, ये प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट अभी भी आप देख सकते हैं, ये हमने अपने टेस्टिंग के अकॉर्डिंग बनाए हैं और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी जो मैं दूसरे फोन की बात कर रहा था ना कि इसको भाई पूरी टक्कर देगा, वो है रियलमी का ही नार्जो 75G। अब संभवतः आपको ज्ञात होगा कि रियलमी ने ना बहुत मिक्स एंड मैच करके अलग अलग स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं बहुत सिमिलर से फीचर के साथ, तो ये P1 तो भाई फ्लिपकार्ट पे बिकेगा और जो नार्जो 70 है ना वो अमेजोन पे बिकेगा। उस फोन के भी फीचर्स एंड प्राइसिंग एग्जैक्ट सेम है जहां तक मुझे पता है, हालांकि इतना कहना चाहूंगा उस वाले फोन को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट ऑन पेपर देखते हैं तो संभवतः एक्सपीरियंस अनुभव उसमें भी सिमिलर सा ही मिल सकता है। तो बस यही था Realme P1 5G का एक डिटेल्ड रिव्यू, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ भी प्रश्न हो आपके मस्तिष्क में अभी भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।